बांग्लादेश से या म्यांमार से घुसपैठिए वो कोई भारत से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं आते, उनकी वहाँ अपने देशों में कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाधान या सुविधा लेने के लिए वो भारत में घुसते हैं। और कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते उनको भारत में आते ही हाथों हाथ उनको सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था भी कर देते हैं, जिससे वो पूरे भारतीय समाज में घुल मिल जाते हैं। पहचान करना भी कई बार बहुत कठिन हो जाता है। तो ये एक समस्या है, कुछ मानवीय समस्या है, कुछ धार्मिक है और सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। तो इसका समाधान किसी एक स्तर पर नहीं हो सकता, इसके समाधान के जितने इसके आयाम हैं समस्या के, उसी प्रकार से उसका विभिन्न प्रकार से समाधान खोजना हो। बनी हुई संस्थाएं हैं, इन पर किसी भी प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और जब हम एक सेकुलर देश की बात करते हैं तो सेकुलर देश में तो सरकार का सिर्फ एक समुदाय के पूजा स्थलों पर नियंत्रण करना वैसे ही पूर्णतः असंवैधानिक और असंगत है। बाकी किसी भी धर्म के पूजा स्थलों पर सरकार का कोई हस्तक्षेप, कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर सिर्फ हिंदू समाज के मंदिरों पर ही सरकार का नियंत्रण क्यों हो? यह बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, हम इसका विरोध भी करते हैं और हमने पुरजोर मांग की है कि सरकार हिंदू मंदिरों के नियंत्रण से अपने आप को पूरी तरह से हटाए। प्रशासनिक नियंत्रण हो, वित्तीय नियंत्रण हो या निर्णय प्रक्रिया, सरकार की मंदिरों के प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं है। समाज की संस्थाएं समाज के कल्याण के लिए बनी, समाज इसका प्रबंधन करे। चुनौतियां दोनों ही तरफ से हैं, क्रिश्चियन समाज से भी है और मुस्लिम समाज से भी है। लेकिन अभी पिछले कुछ दशकों में जो कन्वर्शन हो रहा है वो क्रिश्चियन समाज में ज़्यादा हो रहा है, मुस्लिम समाज में कम हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज में किसी भी प्रकार से धन से या धोखे से कोई हिंदू नहीं जा सकता। परंतु हिंदू छद्म नाम रख कर लव जिहाद और इसी प्रकार से लैंड जिहाद, वक्फ अधिनियम का के जो एक बड़े कमजोरी के और बड़े गलत तरह के प्रावधान कानून में हैं, उनका फायदा उठा करके लैंड जिहाद के नाम से और झारखंड में भोली भाली जनजातीय युवतियों से शादी करके उनकी संपत्ति और उनके पूजा पद्धति दोनों को एक तरह से अपहरण करने का प्रयास है। तो ये अभी तो बांग्लादेश से और म्यांमार से जो आए हुए घुसपैठिए मुस्लिम हैं उनकी समस्या है, और क्रिश्चियन से धन और जो धोखे से चंगाई सभाओं के एक धोखे के माध्यम से जो प्रयास चल रहा है वो भी उतना जाति आधार पर जनगणना का विरोध करती है। जनगणना का एक पुराना इतिहास रहा है, भारत में जनगणना नई नहीं है, लगभग 100 वर्षों से अधिक से जनगणना चल रही है। पूजा उपासना की पद्धति पर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जो ठीक भी है, क्योंकि कम से कम किस उपासना पद्धति के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या अनीश्वरवादी कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं, ये सब बात समाज के सामने आनी चाहिए। परंतु जातीय आधार पर जनगणना करने का उद्देश्य ही कुत्सित है, ये पूरे हिंदू समाज को तोड़ने का और इसको बांटने का एक षड्यंत्र है जिसका हम घोर विरोध करते हैं। धार्मिक रूप से जनगणना होनी चाहिए, धार्मिक रूप से जनगणना होनी चाहिए, वो तो हो ही रही है, वो तो 100 वर्षों से हो रही है। 1911 में पहली बार जनगणना हुई, तब से हर 10 वर्ष में जनगणना धर्म के आधार पर हो ही रही है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो बाकी अन्य धर्मावलंबी हैं वगैरह, उनके आधार पर जनगणना पहले से चली आ रही है, होती रहे, हमें इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जाति आधार पर हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसके पीछे किसी भी समुदाय के कल्याण की भावना नहीं है, उसके पीछे हिंदू समाज को तोड़ने की और बांटने की एक दुर्भावना है, इसलिए हम उसका विरोध। जनजातीय क्षेत्रों में ये समस्या नई नहीं है, पिछले लगभग 150 वर्षों से पूरे जनजाति समाज को हिंदू समुदाय से अलग करने की कुचेष्टाएं और षड्यंत्र चल रहे हैं। अभी तक ये षड्यंत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्व में थे, दुर्भाग्य से अब ये कुछ समय से राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वगैरह जिलों में भी ये प्रवेश कर गए हैं।
और बड़ी जल्दी से इन्होंने युवाओं को आकर्षित किया है और खास तौर से इसमें युवा वर्ग ही प्रभावित हुआ है। परिवारों के बड़े बुजुर्ग महिलाएं अभी तक इससे अछूती हैं, परंतु यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि किस प्रकार से भारत के उत्तर पूर्व को जनजाति क्षेत्रों को एक कृषि बनाकर पूरे राष्ट्र से अलग करने का षड्यंत्र चलते रहे हैं सदियों से। वैसे ही षड्यंत्र राजस्थान में भी अब शुरू हुए हैं कि मुख्य धारा हिंदू समुदाय से जनजाति समाज को अलग करने की ये षड्यंत्र चल रहे हैं, शुरू हुए हैं, पिछले 5-7 वर्षों से ये शुरू हुए हैं। हमने भी हमारा इस विषय में काम शुरू किया है, जनजाति समाज में ये प्रबोधन करना। और समस्या तब आती है, हर परिवार में बड़े बूढ़े इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हम हिंदू समुदाय का अंग हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। परंतु युवाओं को रोजगार के माध्यम से या धन का प्रलोभन देकर क्रिश्चियन मिशनरीज और वामपंथी और जो अलगाववादी ताकते हैं, ये इनका एक मिला जुला षड्यंत्र है जिसको विश्व हिंदू परिषद कुटुंब प्रबोधन और कुछ विशेष परियोजनाओं के माध्यम से जन जागरण करके इसका निवारण करने की चेष्टा करें। निवेदन किया कि इस बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन पहले से ही हम इस विषय में सजग हैं। हमने जनसंख्या नियंत्रण पर सिर्फ कानून से काम नहीं हो सकता, संविधान के दायरे में तो कानून बन सकता है, लेकिन कानून का पालन तो समाज करता है। और हम ये मानते हैं कि ये सामाजिक पारिवारिक समस्या है, हिंदुओं की अपनी बनाई हुई समस्या है, जहां उन्होंने अपने परिवार की संख्या 4-5 बच्चों से घटाकर 1-2 बच्चे कर दिए, तो इसमें कोई कानून का कोई अर्थ नहीं है। तो हम हिंदू समाज का प्रबोधन करने की चेष्टा कर रहे हैं कि समय पर लड़के लड़कियों की शादियां करें, 20-25 वर्ष की उम्र में शादियां हो जाए, और साथ में 2-3 बच्चे अवश्य हो हर परिवार में। इस विषय पर हम हिंदू समाज का प्रबोधन करने का एक कार्यक्रम बना। विश्व हिंदू परिषद ये विषय पिछले 3-4 साल से उठाता रहा है। जब से कोरोना काल में इस तरह के वीडियो सामने आए जिसमें कुछ मुस्लिम दुकानदार या ठेले चलाने वाले फलों के सब्जी के जो विक्रेता हैं वो उसमें थूक कर सब्जी या फल या जूस इस तरह की चीज़ें बेचते थे, तो इस प्रकार से दूषित खाद्य और पेय पदार्थों से बचने के लिए अगर पहचान उजागर होती है, विक्रेता की या ठेले वाले की पहचान उजागर होती है, तो ये जो कांवड़िया या जो तीर्थयात्री है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है वो उसे ले या नहीं ले। और जिस प्रकार की तीर्थ यात्रा का यह अभियान है कांवड़ का, सात्विक जीवन, सात्विक रहना, सात्विक खाना, तो उस एक अतिरिक्त सात्विकता की जगह अगर उनको रास्ते भर धोखे से हिंदू देवी देवताओं के नाम रखकर कोई दूषित खाना या दूषित पेय दिया जाता है, तो इससे घृणित कार्य तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए कांवड़ियों की जो धार्मिक यात्रा के पीछे जो भावना है, उनको सात्विक खान पीन की आवश्यकता है, और उनको खान पीने की दुकान चुनने का जो एक वैधानिक अधिकार है, इसके चलते हम ये मान करते हैं कि हर दुकानदार को, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर दुकानदार को अपने बोर्ड पर उसके मालिक या उसके संचालक का नाम प्रकाशित करना ही चाहिए। आगे फिर जो तीर्थयात्री कांवड़िया या साधारण क्रेता की इच्छा पर निर्भर है वो किससे खरीदे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे जैसे मैंने निवेदन किया, विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ से ही भारत में समान नागरिकता संहिता लागू करने के समर्थक रही है। अब लागू नहीं हो रहा है, कानून नहीं बन पा रहा है, इसका पीछे एकमात्र राजनीति है, और राजनीतिक स्वार्थों के चलते जो राजनीतिक दल देश के पूरे समाज को अलग अलग वर्गों में अलग अलग आधार पर देश को बांट कर तोड़ कर रखना चाहते हैं, उनकी स्वार्थपरता के चलते ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। हमें आशा है, विश्व हिंदू परिषद आशा करती है कि समस्त राजनीतिक दल देश की एकता को ध्यान में रखते हुए समाज में सौहार्द और एक समन्वय बनाए रखने के लिए सम्मान नागरिक संहिता पर शीघ्र से शीघ्र एक विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ से ही कहता है कि संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक जो तत्व हैं, उसमें
यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था है और संविधान ने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अपने आने वाली सरकारों को एक तरह से डायरेक्शन दिया हुआ है कि इस देश में समान नागरिक कानून लागू करें। विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ से ही समान नागरिक कानून लागू करने की हिमायती रही है। आज भी हम यही मांग करते हैं, शरीयत का इस देश में, यहाँ के संविधान में, समाज में, कानून में कोई स्थान नहीं है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 टाइम न्यूज, खबर वही जो हो। अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।